KGF चैप्टर टू मेरे को चैप्टर वन से भी बवाल लगी, रियली बता रहा हूँ। पैसा वसूल मूवी सुपर, मतलब कि तीन साल का इंतजार, तीन साल से वेट कर रहा था इस मूवी का, फाइनली जाके आज रिलीज हुई। सुबह सुबह नींद खराब करके गए मूवी देखने, लेकिन एक चीज़ बोलूँगा कि मेरा जो नींद खराब हुआ वो वसूल हो गया। शुरुआत बहुत अच्छी लगी, अंत भी बहुत अच्छा है। KGF चैप्टर वन देखी थी, KGF चैप्टर टू उसको रिपीट मैंने कंटिन्यू किया गया है, और एक्टिंग बहुत अच्छी है और बहुत ही मज़ा आया। बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी मूवी है। काफ़ी टाइम बाद कोरोना के बाद अगर कोई अच्छी मूवी आई है तो KGF ही है मेरे हिसाब से। अमेजिंग अमेजिंग, मतलब जितने एक्सपेक्ट किए थे उससे भी दुगनी अच्छी थी। बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वेरी नाइस, बहुत अच्छी थी मूवी। एक्शन बहुत अच्छा था मूवी में, देखने लायक मूवी थी। जब फर्स्ट KGF फर्स्ट में जो एक्शन था, और जो सेकंड पार्ट में जो एक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है, एंड सस्पेंस है मूवी में बहुत ज़्यादा, तो एक्शन देखने में और ज़्यादा मज़ा आया था। और जो बैकग्राउंड म्यूजिक था साथ साथ में, तो उसके साथ तो एकदम परफेक्ट लग रहा था पूरा। पावरफुल पिक्चर है, पावरफुल, अच्छा अच्छा लगा एकदम। ऑसम, गुड मूवी। इज नॉट अ मूवी, इट्स एन इमोशन, एंड आई नाउ अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द डायरेक्टर व्हाई ही डिडंट वांटेड पीपल टू पोस्ट द स्टोरीज और यू नो स्पॉइल द फन फॉर अदर पीपल। उन्होंने स्पेशली मेंशनड, and the film is an emotion, you should definitely watch, because it's got all kind of emotion, anger, love, sadness, everything basically. The mother emotion was great, mother character was great, Vanaram the chacha, and yes, to is any day amazing. So I wanted to say that the film is and an emotion. Sanju Baba also killed it. Sanju Baba was fantastic. How was the look? बहुत सुपर, मतलब कि संजय दत्त का तो एक ही चीज़ बोलूँगा, उनका बहुत बड़ा कमबैक हुआ है अभी। क्या खतरनाक उनका लुक है अधीरा का, वो जो टैटू वगैरह दिखता रहे यार, उनकी एंट्री इतना जबरदस्त होती है ना, मानो कि यार थिएटर में सीटियाँ तालियाँ बजने लगती है। संजय दत्त का रोल विलेन का है और बड़ा भयानक रोल है, जैसा खलनायक में किया था उससे भी बढ़कर रोल है, और उसने अच्छा रोल किया। अधीरा जो संजय दत्त का रोल है बहुत ही अलग टाइप का रोल है, और बहुत ही उनका कैरेक्टर बहुत अच्छे से ये किया है, वो एक्चुअली बहुत अच्छे से दिखाया है। उनका जो फाइट सीन था वो भी एक्चुअली अमेजिंग था, बट मूवी इज अ ट्रीट टू वॉच मैन। संजय दत्त का लुक एकदम माइंड ब्लोइंग था, बहुत मज़ा आया उनका लुक देख के। जो उनकी एंट्री हुई थी, ऐसे फायर में से एंटर किया था उन्होंने, बाकी क्योंकि कोई एंटर नहीं कर पा रहा था, बट उन्होंने जो एंट्री ली वो एकदम बेस्ट एंट्री थी उनका। संजय दत्त एज अ विलेन, उनका जो पर्सनालिटी, जो उनको कैरेक्टर बिल्कुल सूट कर रहा है उनके पर्सनालिटी के हिसाब से, अधीरा लगे। यश, अरे भाई यश की तो बात ही नहीं है, रॉकिंग स्टार यश यार। उनका स्वाग, उनका हर एक डायलॉग डिलीवरी यार सुपर, हर एक डायलॉग उनका, हर एक इंट्री पर लोग सीटियां तालियां बजा रहे हैं। यश तो नंबर वन, जस्ट लाइक आवर अमिताभ बच्चन इन दीवार। और यश तो माई गॉड, क्या एंट्री थी उनकी, मतलब स्पेल बाउंड उनकी एंट्री के बाद। यश का एकदम क्या ही बोलूँ यश के बारे में, तो मतलब अब अगर थिएटर में होते तो देखते सारे टाइम हूटिंग हो रही है, पूरे 3 घंटे हूटिंग हुई है, जब भी यश का सीन आया तो हूटिंग हुई है। मैं क्या ही बताऊँ, अभी स्पीचलेस हो गई हूँ मैं यश को देख के, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो डिलीवर उन्होंने करा। ऐसा क्या सीन है जो आपको काफ़ी अच्छा लगा, कोई एक सीन है? सीन बहुत अच्छे अच्छे हैं, डायलॉग्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, इसमें कुछ स्पेशल बोलने जैसा ही नहीं, पूरी पिक्चर स्पेशल है। सभी डायलॉग्स बहुत बहुत अच्छे हैं और तालियां बजी, देर वॉज ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, बट देर वॉज वन डायलॉग की वॉयलेंस वॉयलेंस, आई हेट वॉयलेंस सो आई अवॉइड इट, बट वॉयलेंस लाइक्स मी सो आई कांट अवॉइड इट, वो एक डायलॉग था। फिर और भी बहुत सारे यू नो जो ऐसे डायलॉग्स हैं जो आपके जहन में बच जाएंगे। फाइव आउट ऑफ फाइव, फाइव आउट ऑफ फाइव, फाइव आउट ऑफ फाइव।